एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 6वीं क्लास की हिंदी की किताब सेकंड लैंग्वेज दूसरी भाषा और उसका 5वां पाठ ईमानदार शंकर। और आज चर्चा करेंगे इस पाठ के सार के बारे में। तो चलिए पाठ का सार समझने से पहले हम चर्चा करते हैं पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ से। जैसे सबसे पहला जो कठिन शब्द है वो है स्वभाव, जिसका मतलब है आदत, श्रम का मतलब मेहनत, प्रवेश का मतलब दाखिल होना, खुश प्रसन्न, सिद्ध साबित, भरोसा विश्वास, मार्ग रास्ता, नगर शहर, भीख भिक्षा। वैसे ही मुस्कुरा उठा यानी खिलखिला उठा, आनंद मतलब प्रसन्न। अब पाठ का सार बताती हूँ मैं आपको। शंकर नाम का बालक एक गांव में रहता था। वह बहुत ही ईमानदार था, हमेशा सच बोलता था, मेहनत करना उसका स्वभाव था, वह मेहनत से ही धन कमाना चाहता था। एक दिन धन कमाने के लिए गांव से शहर की ओर वह चल पड़ा। गर्मी के दिन थे, वह थक गया था। उसने एक आम के पेड़ के नीचे कुछ देर आराम किया। शंकर शहर में पहुंच गया, वहां उसे कोई नहीं जानता था, उसे कोई भी नौकरी देने को तैयार ना था। उसे एक हलवाई की दुकान के आगे तख्ता लगा दिखाई दिया, वह उस पर सो गया। जब सवेरा हुआ तो उसे तख्ते के पास 5 रुपए का नोट पड़ा मिला। वह हलवाई की राह देखने लगा। कुछ समय बाद हलवाई ने आकर अपनी दुकान खोली। शंकर ने आकर 5 रुपए का नोट हलवाई के आगे रख दिया। हलवाई ने समझा कि बालक कुछ सौदा लेना चाहता है। उसने पूछा कि क्या चाहिए। शंकर ने कहा, यह नोट आपका है, शायद दुकान बंद करते समय तख्ते पर रह गया था। शंकर की ईमानदारी पर हलवाई बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उसे काम पर रख लिया। वह मिठाइयां बनाना भी सीख गया। अब वह सुख और आनंद से रहने लगा। तो इस पाठ से आपको क्या सीख मिलती है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।